इन माय केस बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप प्रिपरेशन शुरू करते हो तो आपको पता नहीं होता कि आपको कौन से सब्जेक्ट में किस सब्जेक्ट में कितना टाइम लगेगा, किस टॉपिक में आपको कितना टाइम लगेगा। अगर आप प्रॉपर एनालिसिस करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे स्पीड मैथ्स इस पर्टिकुलर टाइम में कवर करना था, मुझे DI इस टाइम में कवर करना था, मुझे रीजनिंग की एक पजल 2 या 3 मिनट में कवर करना था। अगर आप उस तरीके से सोचते हो तो प्रैक्टिस भी आप उसी तरीके से करते हो कि मुझे 2 मिनट में प्रीलिम्स की पजल कवर करना है, 10 मिनट में स्टार्टिंग में, 15 मिनट में मुझे मेंस की पजल कवर करना है, तो उसी तरीके से आपका माइंड वर्क करता है मैम। सो एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट है। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कैमोमाइल टी विद टॉपर्स एंड इनिशिएटेड बाय अनअकैडमी। My name is Ahana, your host today. I have Rupesh today who has cleared SBI PO and IBPS PO. But before introducing him, I would like to say success is just a tip of iceberg. और बाकी उसके पीछे का struggle किसी को दिखता नहीं। ये कहानी, ये quote बिल्कुल बैठता है रुपेश पे। तो let's welcome him and hear his journey. Hi Rupesh, welcome Hello. to the Hello, show. Ma'am. Thank you, ma'am. IBPS PO और SBI PO दोनों ही एग्जाम आपने क्रैक कर लिए, तो हाउ आर यू फीलिंग? मैम इट वाज अ रियली ऑसम फीलिंग, जस्ट बिकॉज हम जब प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो हमें नहीं पता होता है कि हम एक्चुअल में इतनी बड़ी एग्जाम्स निकाल पाएंगे, बट जब फाइनल रिजल्ट आता है तो इट वाज अ रियल फीलिंग कि हम उस फीलिंग्स को मतलब बयान नहीं कर पाते वर्ड्स में। और आपकी फैमिली का कैसा रिएक्शन था व्हेन दे गॉट टू नो कि आपने दोनों ही क्लियर कर लिया? मैम सबसे पहले तो IBPS PO का रिजल्ट आया था ऑन 1st of April। सो मैंने मम्मी को सबसे पहले बताया नहीं था कि रिजल्ट आया करके। मेरा छोटा भाई है उसको सबसे पहले पता था। सो उन्होंने मतलब बिलीव नहीं किया कि सच में IBPS PO का एग्ज़ाम इसने क्रैक किया या फिर इससे हो चुका है। सो जब मैं मम्मी को बताने के बाद जब घर गया तो मम्मी ने एज अ ट्रेडिशनल वे जैसे मम्मी होती है तो उन्होंने आरती वगैरह की। सो उस दिन थोड़ा सेलिब्रेशन हुआ था। देन कुछ दिनों के बाद मेंस का भी मतलब SBI PO का भी रिजल्ट आया। देन मम्मी सडनली बहुत खुश हो गई थी कि एक साल में जो मम्मी ने मुझे दिया था तो एक साल में मम्मी पापा ने जो दिया था एक साल में इसने 2 एग्ज़ाम्स क्रैक किए। सो मम्मी पापा बहुत खुश थे और मेरे फ्रेंड्स भी काफ़ी खुश थे उस वक्त। एंड आपने ये फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर कर लिया विच इज़ अ ब्रिलियंट थिंग, कि बहुत ही रेयर होता है क्योंकि जितना हम लोग को लगता है कि बैंकिंग एग्जाम ईजी होते हैं बट बिकॉज यू हैव गिवन द एग्जाम ऑल्सो इतने ईजी होते नहीं है, यू ऑल्सो नो दैट। बिफोर दैट कि मैं प्रिपरेशन जर्नी के आगे बढ़ूँ, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि फैमिली सपोर्ट कितना रहा है आपको इस एग्ज़ाम के लिए? मैम फैमिली सपोर्ट तो काफ़ी रहा है। मैं बेसिक से शुरू करूँगा, मतलब जब मैंने ग्रेजुएशन किया था तब मैंने पेरेंट्स को पूछा था कि मुझे UPSC के लिए प्रिपरेशन करना है, सो दे सपोर्टेड मी। देन मैं 2 बार साइमल्टेनियसली फेल हुआ UPSC की जर्नी में। देन अगेन आई आस्क्ड माय पेरेंट्स कि मैं अभी 2 बार फेल हो चुका हूँ सो मुझे और एक चांस चाहिए। सो माय मॉम सेड कि तुझे जो करना है वो कर, हम तुम्हारे पीछे हैं, तुझे जो करना है वो प्रिपरेशन तो कर सकता है। बट उस वक्त फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी वीक हो चुकी थी तो इसलिए मैंने प्राइवेट सेक्टर में जॉब किया। देन एक साल मैंने जॉब किया वहाँ पे। देन मैं जब घर आता था जॉब से तो मेरे पेरेंट्स को दिख जाता था कि ही वॉज़ नॉट हैप्पी। सो उन्होंने मुझे कहा कि तू प्राइवेट सेक्टर में खुश नहीं है, तुझे गवर्नमेंट ऑफिसर बनना था, सो तू गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए बनाए, तू जॉब छोड़ दे प्राइवेट सेक्टर का और गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर। उसमें मेरे एक टीचर थे उनका नाम निवान गोरखेड़े, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया। उनको काफ़ी भरोसा था कि तू गवर्नमेंट ऑफिसर बन सकता है और एग्ज़ाम निकाल सकता है। उन्होंने भी मेरे पेरेंट्स को कन्विंस किया कि आप इनको एक साल दीजिए कि डेफिनेटली एग्ज़ाम क्रैक करेंगे। एंड जैसे ही मैंने जॉब छोड़ा तो सडनली फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी तो थी, पर मेरा छोटा भाई वहाँ पे जॉब करता था TCS में, सो ही सपोर्टेड मी। सो ये जो बैकग्राउंड सपोर्ट होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी एस्पिरेंट के लिए उसे आगे बढ़ने के लिए। तो आपके मतलब जिस तरीके से आपने बताया आपके मॉम डैड एंड इवन आपके यंगर ब्रदर, इन तीनों ने आपको जो आज आप सक्सेस में हो, दे हैव हेल्प यू अ लॉट एंड सपोर्टेड यू अ लॉट। और वो होना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक मोरल सपोर्ट अगर हो तो आपका पूरा कंसंट्रेशन आपके एग्जाम्स में रह सकता है, ना कि आप डिस्ट्रैक्ट होते हो कि
नहीं मेरे पास सपोर्ट नहीं है या चीज़ें नहीं हैं। हाँ। आपने ये बोला कि आप जॉब करते थे, तो आप थोड़ा बताइए कि आप जॉब क्या करते थे एंड आपने ग्रेजुएशन में भी क्या किया है एंड उसके बाद इस बैंकिंग सेक्टर में कैसे फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू दिस बैंकिंग सेक्टर, मतलब ये स्विच क्यों? ओके मैम, मेरा केमिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन हुआ है, मैं केमिकल इंजीनियर हूँ। सो मैंने आपको जैसे बताया था कि मैंने 2021 में मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता था, ठीक है, एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर था मैं वहाँ पे। सो मैंने एक साल ऑलमोस्ट वहाँ पे जॉब की, देन मैंने डिसाइड किया कि मुझे गवर्नमेंट ऑफिसर बनने के लिए मुझे एक गवर्नमेंट एग्जामिनेशन देना होगा। सो मेरे पास ऑप्शंस थे, मैंने यूपीएससी का ट्राई किया था, तो मुझे पता था कि यूपीएससी के लिए थोड़ा टाइम चाहिए और वो एट द एज ऑफ 26 मेरे पास टाइम नहीं था। देन मैंने एसएससी के लिए देखा, पर एसएससी को काफ़ी लंबा समय लगता है रिजल्ट के लिए, और बैंकिंग सेक्टर ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आपको 3-4 महीने में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं अगर आप डेडिकेटेडली पढ़ाई करते हैं तो। सो इसलिए मैंने बैंकिंग सेक्टर चुना, और मेरा बेसिकली मैथ्स वगैरह थोड़ा अच्छा था, तो बैंकिंग सेक्टर इज़ अ की फॉर मी। एंड जो आप सपोर्ट की बात करते हैं मैम कि कैसे सपोर्ट होना चाहिए, इसे मैंने आपको बताया कि जॉब छूटने के बाद मेरे ब्रदर ने जो सपोर्ट किया मुझे, दैट वाज इनसरमाउंटेबल। एंड आपके वो भी यंगर ब्रदर थे, क्योंकि एक हम हमेशा सोचते हैं कि एल्डर ब्रदर से हमें मिलता है, लेकिन हम यंगर ब्रदर से या यंगर सिबलिंग से इतना एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। सो he has helped you a lot, right? और मैम फेल होने का कुछ चांस नहीं था, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं यहाँ पे फेल होता हूँ तो मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली फेल होगी, जस्ट बिकॉज दे सपोर्टेड मी अ लॉट। तो वो क्यों ऑप्शन ही नहीं था फेल होने का, मोटिवेशन का उस वक्त ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे करना ही है, इन हाउ करना है। सो दैट्स वाई दैट वॉज अ मोटिवेशन, माई फैमिली वॉज अ मोटिवेशन फॉर मी। ग्रेट। अच्छा, इससे आप मेरे को ये बताइए कि बिकॉज यू आर वेरी न्यू टू दिस बैंकिंग एग्जाम्स ऑल्सो, आपने यूपीएससी का एग्जाम दिया है बट आपने बैंकिंग का कभी नहीं दिया, आपने यूपीएससी के 2 अटेम्प्ट्स करे, राइट? यस मैम। और बैंकिंग का आपने इससे पहले कोई एग्जाम्स नहीं दिया था, आपको कैसे पता चला कि इसका पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, कैसे देना है, इसका पैटर्न कैसा होगा, किस तरीके से आपने रिसोर्सेस लिए, कहाँ से पढ़ाई करी, थोड़ा इसके बारे में आप एलाबोरेट कीजिए। जब मैं जॉब करता था तो मैं घर आके ये सब चीज़ें करता था कि मुझे अगर आगे प्रिपरेशन करना है तो कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना है, उसके रिसोर्सेज कहाँ से होंगे। तो सबसे पहले यही बात थी कि जिस एग्जामिनेशन की हम प्रिपरेशन करते हैं उसके सबसे पहले सिलेबस हमें पता होना चाहिए। देन उसके बाद सिलेबस पता होने के बाद हर एक इंडिविजुअल टॉपिक का नॉलेज हमें होना चाहिए। सो वो अच्छे से बता सकते हैं टॉपर्स जो जिन्होंने एग्जामिनेशन क्रैक किया है। तो आपके यूट्यूब चैनल्स पे भी काफ़ी टॉपर्स के वीडियोस थे, तो उनको मैंने काफ़ी अच्छे से फॉलो किया। तो हर एक की स्ट्रैटेजी अलग होती है, तो उनको देख के हमें अपनी एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। तो वही मैंने किया, वहाँ से सिलेबस का अंडरस्टैंडिंग लिया, देन क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, प्री मेंस में किस तरह के क्वेश्चन होते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग लिया, देन मैंने खुद से थोड़ा रिसर्च किया कि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन कैसी होगी, सिलेबस क्या होगा, टेस्ट सीरीज कौन सी होगी, मेंस एग्जामिनेशन क्वेश्चन के किस मेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, उनका सिलेबस क्या होगा, इंटरव्यू के लिए कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरीके का मैंने पहले, मतलब जॉब छोड़ने के पहले, इन सारी चीज़ों का स्टडी मैं कर चुका था मैम। तो आपने एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कब, कितने टाइम पहले करी थी फ्रॉम द प्रीलिम्स? मैम मैंने अप्रैल 2022 में एक्चुअल प्रिपरेशन शुरू किया था, अप्रैल 2022 में, देन ऑलमोस्ट 8 to 9 months में मैंने एग्जामिनेशन क्रैक किया था। 8 to 9 months इज अ वेरी लॉन्ग पीरियड एंड आई थिंक आपका मोटिवेशन, जैसे हमने बोला कि देर वॉज नो चांस कि मैं डीमोटिवेट हो जाऊँ, कोई ऐसा स्कोप ही नहीं था होने का। बट वो बात तो अलग होती है मैम कि डिमोटिवेट ना हो, पर जो प्रेशर बिल्डअप होता है वो ऑटोमेटिकली आपको थोड़ा पीछे लेके जाता है, क्योंकि आपको ये प्रेशर होता है कि आपको करना है, आपके पेरेंट्स आपके पीछे हैं, अगर आप फेल हो जाएंगे तो आपके पेरेंट्स फेल हो जाएंगे, तो ये प्रेशर भी होता है। आप उस प्रेशर को किस तरीके से हैंडल करते हैं, फाइनेंशियल को किस तरीके से हैंडल करते हैं, तो दैट वॉज द की कि आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन में प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं। राइट, एंड उसी का रिजल्ट है कि आज आप ने दोनों ही एग्जाम्स क्लियर भी कर लिए हैं, राइट? ठीक है, सो अब मैं थोड़ा प्रिपरेशन की तरफ चलूँगी, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन की सबसे पहले मैं बात करूँगी। सबसे पहले आप तो मुझे बताएं आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? इंग्लिश। इंग्लिश, ग्रेट। तो इंग्लिश से ही स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में जब प्रीलिम्स का आप स्टार्ट कर रहे थे तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि एग्जाम्स में किस तरीके का पेपर आएगा, या जब मैं प्रिपेयर करूँ तो इस तरीके से प्रिपेयर करूँ, पहले कॉम्प्रिहेंशंस कर लूँ, पैराफ्रेजिंग कर लूँ, किस तरीके से आपकी स्ट्रैटेजी थी उसको लेकर? मैम इंग्लिश में मैंने
थोड़ा कम पढ़ाई किया है जस्ट बिकॉज उसके पीछे रीज़न ये था कि जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं यूपीएससी के लिए न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो हैबिट हो चुकी थी एक समझने की इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन को समझने की एक हैबिट हो चुकी थी और नॉवेल्स भी मुझे पढ़ना अच्छा लगता था सो मैंने प्रिपरेशन जैसे अप्रैल 2022 में शुरू किया था तो सबसे पहले एग्ज़ाम आते हैं आरआरबीज की आरआरबी क्लर्क्स एंड आरआरबी पीओस के एग्ज़ाम आते हैं उनमें इंग्लिश प्रीलिम्स में नहीं होता है ओके तो मैंने पिछले पहले 2-3 महीनों में इंग्लिश का नहीं पढ़ाया था मुझे आरआरबीज का प्रिपरेशन करना था जैसे ही आरआरबीज के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हुए उसके बाद मैंने इंग्लिश का प्रिपरेशन शुरू किया तो ऐसा नहीं था मुझे कि इंग्लिश का सब कुछ आता था सो आपको बेसिकली पर्टिकुलरली इन बैंकिंग सेक्टर आपको कॉम्प्रिहेंशन मतलब समझ में आना चाहिए आपको ग्रामर उतना सपोर्ट नहीं करेगा ग्रामर के थोड़े कम क्वेश्चंस होते हैं एज कम्पेयर टू कॉम्प्रिहेंशन तो आपको रीडिंग हैबिट थोड़ा सा लेके आना जरूरी है अकॉर्डिंग टू यू यस मैम रीडिंग हैबिट होना चाहिए जस्ट बिकॉज कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे मुझे 2 वीक्स टॉपिक्स थे जैसे एरर डिटेक्शन थोड़ा कमज़ोर था पैराजम्बस थोड़ा कमज़ोर था तो मुझे पता था कि मेरे वीक टॉपिक है ये तो मैंने उसको कवर करने की कोशिश किया निमेशा बंसल मैम है वो एरर डिटेक्शन की क्लासेस लेते हैं स्पेशल क्लासेस होते हैं तो उनको कवर करने की कोशिश किया मैंने देन पैराजम्बल के भी उन्होंने क्लासेस लेते हैं वो करने की कोशिश किया देन अगर आपके वीक सब्जेक्ट थोड़ा वीक टॉपिक्स थोड़ा अच्छे हो जाते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाता है अपने प्रिपरेशन पे सो कॉम्प्रिहेंशन की बात आ रही थी कॉम्प्रिहेंशन मुझे समझ में आ जाता था सो कॉम्प्रिहेंशन प्लस पैराजम्बल प्लस एरर डिटेक्शन तीनों का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा था इसी वजह से मेरा इंग्लिश थोड़ा अच्छा हुआ तो मतलब ये तीन आपके थोड़े से स्ट्रॉन्ग पार्ट हो गए थे आपने इसका प्रैक्टिस भी करा था तो आप कितना मतलब इफ आई स्पीक इन आवर्स कितना आवर देते थे आप इंग्लिश को प्रीलिम्स में मैम प्रीलिम्स में मैं ऑलमोस्ट 2 आवर्स देता था 2 आवर्स एंड बाकी आवर्स को आप बताएंगे कि आप कैसे कैसे डिवाइड करते थे फॉर द अदर सब्जेक्ट्स आल्सो यस मैम मैं मॉर्निंग में सुबह 7:30 बजे उठ जाता था सो मेरा कहना ये था कि अगर आपका कोई वीक सब्जेक्ट है जो आपको पसंद नहीं आता है उसको सबसे पहले करना चाहिए जस्ट बिकॉज मॉर्निंग में आपकी एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग होती है राइट सो मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट जो मुझे पर्टिकुलरली लगता था वो था क्वांट तो सबसे पहले मॉर्निंग में मैं 3-4 घंटे क्वांट करता था उसके सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना एरिथमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व करना एंड स्पीड मैथ्स करना ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पे करता था देन लंच के बाद मैं इंग्लिश करता था जस्ट बिकॉज आपको पता है लंच के बाद आपको थोड़ी नींद आती है सो नींद को रिकवर करने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट चाहिए आपको जो आपको करना पसंद है जो आप करना चाहते हो आप इसमें इजीली गिव अप भी नहीं करोगे गिव अप नहीं करोगे सो इसलिए मैं इंग्लिश करता था दोपहर को ताकि इंग्लिश करना पसंद आता था और नींद भी नहीं आती थी सो इस तरीके से मैं 2-3 आवर्स इंग्लिश करता था देन इन द इवनिंग करंट अफेयर्स करता था एंड नाइट में कुछ अगर मॉक्स वगैरह देना हो या फिर कुछ अगर अलग चीज़ें करनी हो वो चीज़ें करता था तो आपने मेंस की प्रिपरेशन भी प्रीलिम से ही स्टार्ट कर दी थी फ्रॉम द डे 1 या फिर थोड़ा टाइम लेने के बाद ही कि मैं इतना टाइम में तो प्रीलिम्स को दूंगा उसके बाद इतना टाइम से मैं मेंस भी स्टार्ट करूंगा मैम मैंने मेंस की प्रिपरेशन कुछ अलग स्ट्रैटेजी से किया था कि मुझे पता था कि मुझे मेंस में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने सिलेबस पहले ही पढ़ चुका था उनकी स्ट्रैटेजी पहले ही बना चुका था तो उनमें से 2 सब्जेक्ट थे इंग्लिश एंड करंट अफेयर्स जैसे मैंने कहा कि इंग्लिश अच्छा था तो मेंस का भी इंग्लिश में वही उसी वक्त करता था सो मेरे एक साथ इंग्लिश में प्री और मेंस हो जाते थे देन करंट अफेयर्स पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि करंट अफेयर्स एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है और मेंस का तो स्पेशली बिकॉज आपके पास टाइम भी कम है और आपको उसमें मैनेज भी करना है चीज़ और करंट अफेयर्स इसलिए मुझे पसंद है क्योंकि मैं यूपीएससी में करंट अफेयर्स पढ़ता था तो एक हैबिट बन चुकी थी करंट अफेयर्स पढ़ने की अगर बैंकिंग सेक्टर की कुछ न्यूज़ है तो मुझे उसका बैकग्राउंड पहले पता होता था तो मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी उस पर्टिकुलर करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए तो इसीलिए मैंने इंग्लिश और करंट अफेयर्स डे 1 से शुरू किया था प्रिपरेशन करना प्रीलिम्स के टाइम से हाँ कभी कभी स्किप हो जाते थे बट मैं डे 1 से चालू किया था क्योंकि वो वैसे भी मेंस में ना तो 1-2 दिन स्किप होना इट्स ओके लेकिन बाद में नहीं होना चाहिए ठीक है एंड नाउ कमिंग टू अच्छा उससे पहले व्हाट डू यू थिंक अबाउट क्वांट्स इज इट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर यू यस मैम इट वॉज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट और क्वांट्स में स्पेसिफिकली आपको क्या डिफिकल्ट लगता है मैम क्वांट में मुझे सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है वो है एरिथमेटिक
मोस्ट ऑफ द 90% स्टूडेंट को एरिथमेटिक ही डिफिकल्ट लगता है. सो मैंने एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो किया था ताकि मेरा क्वांट में काफ़ी अच्छा स्कोर हो. सो मैं सबसे पहले स्पीड मैथ्स करता था. स्पीड मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर नंबर सीरीज, इनके क्वेश्चन मैं डेली फॉलो करता था. आशीष सर की एक चेकलिस्ट आती थी तो उनसे मैं डेली फॉलो करता था ये सब चीज़ें. और आपका जो जैसे आपने बोला कि क्वांट्स में अर्थमेटिक का आपने एक स्ट्रैटेजी लगाया, इसी तरह आप क्वांट्स को आप मेरे को बता सकते हो कि स्केड्यूल वाइज अगर आपको दिन में क्वांट्स को एक टाइम देना हो आवरली, तो आप पोर्शन वाइज बता सकते हो कितना कितना टाइम देते हैं, जैसे अर्थमेटिक को कितना टाइम, डेटा इंटरप्रिटेशन को कितना टाइम, उस तरीके से. ओके मैम, मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई है तो है स्पीड मैथ्स. क्योंकि स्पीड मैथ्स में दो एडवांटेज है. एक तो आपका जो 20-25 मार्क्स के स्पीड मैथ्स आते हैं, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, इनको आपको काफ़ी कम समय लगेगा, वन एडवांटेज. और दूसरा एडवांटेज ये है कि अगर इनको कम समय लगता है तो डीआई और एरिथमेटिक को आपको ज़्यादा समय मिलेगा. तो इसी वजह से स्पीड मैथ्स को काफ़ी अच्छा करना काफ़ी ज़रूरी है. तो स्पीड मैथ्स में करता था बेसिकली सिंप्लीफिकेशन करता था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड नंबर सीरीज. उसके अलावा जो टेबल्स होते हैं, स्क्योर होते हैं या फिर क्यूब्स होते हैं, उनको मैं रिपीटेडली करता था. हाफ एन आवर तो मैं इन सब चीज़ों को देता था, मतलब टेबल्स वगैरह को. देन उसके बाद एरिथमेटिक करता था. सर आशीष सर के वीडियो से एरिथमेटिक कवर किया मैंने, जस्ट बिकॉज एरिथमेटिक के अगर बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं ना, अगर कोई क्वेश्चन आपको आता है तो आप डरेंगे नहीं, आप एटलीस्ट आपको हिम्मत करेंगे क्योंकि उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है. देन उसके बाद मैं एक घंटा एरिथमेटिक करने के बाद एक डेढ़ घंटा डीआई करता था. तो सबसे अगर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 15 दिन पहले अगर मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मैं प्रिलिम्स की ही डीआई करता था. अगर प्रिलिम्स और मेंस के बीच में जो समय मिलता था उस वक्त मैं मेंस की डीआई करता था. तो कहीं ना कहीं आपको ये भी लगता है कि जो आपका ग्रेजुएशन जो हुआ है उसने आपको हेल्प करा है क्वांट्स के लिए भी, बिकॉज मैथ्स इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ व्हाट यू डिड इन योर ग्रेजुएशन. तो इट हेल्प्ड यू आउट एंड योर क्वांट्स ऑल्सो. यस मैम, बेसिकली ग्रेजुएशन में कैसे है कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप नया सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो एक आपको पावर देता है कि आप उसको जल्दी अंडरस्टैंड कर पाते हैं. यही अगर ग्रेजुएशन में आप अच्छे से करते हैं तो ये अंडरस्टैंडिंग आप में आ जाएगी कि आप कोई भी नया सब्जेक्ट मिलता है तो आप उसको अच्छे से कर पाएंगे. एंड आपका फाउंडेशन भी बिल्ड, हाँ फाउंडेशन भी बिल्ड हो पाएगा, आप उस सब्जेक्ट से डरेंगे नहीं. तो बेसिकली मैथ्स मेरा बचपन से फेवरेट था, बट जब मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था तो मैथ्स में काफ़ी कम करता था, मैथ्स के क्वेश्चन काफ़ी कम करता था, क्योंकि यूपीएससी में मैथ्स का जो अमाउंट है, पोर्शन है, वो काफ़ी कम होता है. सो इसी वजह से मैं मैथ्स काफ़ी कम करता था यूपीएससी में. तो इसी वजह से थोड़ा जो टच होता है वो टच हो गया, टच था कम हो गया था. काफ़ी सारे बच्चे फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम व्हाट दे फर्स्ट डू इज डिलीट देयर सोशल मीडिया, डिलीट देयर व्हाट्सएप, नॉट मीटिंग फ्रेंड्स, या फिर बहुत ही कम कर देते हैं, बात भी नहीं करते हैं. तो ऐसा आपके साथ था या फिर आपके लिए ये चीज़ वर्क करी थी, डू यू थिंक सो? मैम इसके दो पर्सपेक्टिव होते हैं. एक पर्सपेक्टिव ऐसा होता है कि ये जो चीज़ें हैं सोशल मीडिया से दूरी किसी के लिए बहुत अच्छा काम करती है और किसी के लिए काम नहीं कर पाती. सो बेसिकली इन माय केस मैं यूपीएससी के प्रिपरेशन में सोशल मीडिया से काफ़ी दूर था. व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम सब मैंने अनइंस्टॉल कर दिया था, बट तो भी मेरा रिजल्ट नहीं आया. तो जब मैं जॉब में था तब मैंने थोड़ा सोशल मीडिया से टच में रहा. सो मैं जब बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा था तब मेरे पास व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम सब चीज़ें थी, बट मैं उनको ज़्यादा टाइम नहीं देता था. एक टाइम टेबल था कि इन बस यही टाइम हमें इस पर्टिकुलर सोशल मीडिया को देना है, इससे ज़्यादा हमें टाइम नहीं देना है. बट यही रिस्ट्रिक्शन आप में होनी चाहिए. अगर ये रिस्ट्रिक्शन आप में है तो सोशल मीडिया कोई बुरी चीज़ नहीं है. सोशल मीडिया होते हुए भी आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं. राइट, एंड वो बैलेंस होना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एकदम अपने आप को आइसोलेट करने से भी कभी कभार जैसे आप जो प्रिपेयर कर रहे हो, चीज़ें कर रहे हो, बिकॉज यू आर जस्ट लिमिटिंग योर माइंड ऑल्सो. तो आप थोड़ा सोशलाइज करोगे, थोड़ा एक रिफ्रेशिंग पर्सपेक्टिव भी आपको मिलता है, फ्रेश पर्सपेक्टिव मिलता है चीज़ों को. यस मैम, सो मतलब सोशलाइज करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है एक हेजिटेशन भी कम होती है लोगों से बात करने में. हाँ, चीज़ों और वो चीज़ें आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करती है. अगर आप सोशलाइज नहीं कर पाओगे, उनके पर्सपेक्टिव नहीं जान पाओगे, तो आपका पर्सपेक्टिव एक लिमिटेड वे में चलता है. अगर आप निगेटिव पॉइंट्स, पॉजिटिव पॉइंट्स सब जानते हो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से, इस पर्टिकुलर इंसान से, तो आप अपने हिसाब से उसको मोल्ड कर सकते हो. और
इंटरव्यू ग्रुप डिस्कशन में ये सब चीज़ें होती हैं. सो दैट्स वाई सोशलाइज होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अगर आप सोशलाइज नहीं होते हो तो आपको प्रेशर बढ़ता है आप पे कि मुझे मैंने 2 साल पढ़ाई किया है, 2 साल मैं चुपचाप पढ़ाई कर रहा था, फ्रेंड्स लोग कह रहे हैं कि ये तो निकल ही जाएगा. सो ये सब चीज़ें होती हैं. सो सोशलाइज होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अच्छा एक और चीज़, बिकॉज यू मेंशन सोशली इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी होता है, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, सोशल मीडिया अगर आप यूज़ कर रहे हो इन मिडल ऑफ योर प्रिपरेशन और जैसे करंट अफेयर्स वगैरह आप पढ़ते हो, कभी कभार ऐसा होता है कुछ मेजर इवेंट हुआ है विच यू ऑल्सो नो कि शायद पूछा जा सकता है इन द एग्जाम, एंड उसी चीज़ का सोशल मीडिया में भी काफ़ी चीज़ें चलती है, कभी फेक भी होती है वो चीज़, कभी नहीं भी होती. तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जो सोशल मीडिया में हो रहा है और आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो और ऐसा हो रहा है यार ये तो इसमें कुछ और दिखा रखा है, इसमें कुछ और दे रखा है, डज इट एवर अफेक्ट यू नेगेटिवली इन योर स्टडीज? नहीं मैम, बहुत बार होता है कि एक्चुअल न्यूज़ कुछ और है और एक्चुअल मतलब सोशल मीडिया पे दिखाया कुछ और जा रहा है. सो अगर आप पढ़ते हैं, अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और आप ये सब चीज़ें भी करते हैं तो आपको एक पर्सपेक्टिव बनता है कि आपको एक आप डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि फेक न्यूज़ क्या है और रियल न्यूज़ क्या है. ये डिफ्रेंशिएशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है. अगर आप एजुकेटेड हो तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे. तो बेसिकली प्रॉब्लम ही यही है कि हम फेक न्यूज़ और रियल न्यूज़ में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं. एंड इट अफेक्ट्स आई थिंक करंट अफेयर्स में स्पेसिफिकली आई एम सेइंग, वो वहाँ पे बहुत अफेक्ट कर जाता है बिकॉज आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे हो, आप सोशल मीडिया में भी देख रहे हो, थोड़ा सा सेग्रीगेट करना आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको अपने न्यूज़पेपर में जो पढ़ा है उसको ही फॉलो करो एंड नॉट व्हाट यू आर रीडिंग ऑन सोशल मीडिया और समथिंग लाइक दैट, राइट? ठीक है. सो इसके बाद रुपेश, आई वांट टू नो अबाउट योर प्रिपरेशन जर्नी ऑफ रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. right. आप एक बार करने लग जाते हो आप उसको करते ही right. रहते हो, एंड आई थिंक वो एक ऐसा सब्जेक्ट आपको ले लेता है अपने अंदर कि हाँ ठीक है इट्स फन, तो इसी को करते रहते. तो आपके आपका क्या एक्सपीरियंस है इस सब्जेक्ट के साथ? मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अगर आपके बैंकिंग एग्ज़ाम में अगर 2 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है ना तो आप इजीली बैंक एग्ज़ाम निकाल सकते हो. अगर 1 सब्जेक्ट थोड़ा वीक है तो उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो, पर 2 सब्जेक्ट अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप निकाल सकते हो. सिमिलरली मेरे केस में वैसा ही था, इंग्लिश एक अच्छा सब्जेक्ट था और रीजनिंग मैंने काफ़ी प्रैक्टिस कर रहा था. जैसे आपने बोला कि अगर आप एक बार शुरू करते हैं रीजनिंग करना तो आपको अगर आपको आता है तो आपको एक हैबिट बन जाती है रीजनिंग के सॉल्व करने की. सो इन माई केस रीजनिंग मुझे पसंद था और मैं उनको डेली भी सॉल्व करता था. तो कभी ऐसा हुआ है कि क्वांट्स आपने जब आपसे नहीं हो रहा है, जैसे बिकॉज वी मी ऑल्सो आई गेट स्टक विथ मैथ्स, मेरे से अर्थमेटिक और डाटा इंटरप्रिटेशन स्पेसिफिकली इफ़ यू आस्क फॉर डिफिकल्ट लगता है चीज़ों को लेकर. तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि चलो ठीक है आज के लिए क्वांट्स कम करते हैं, रीजनिंग करते हैं ज़्यादा, ऐसा आपके साथ हुआ है? बहुत बार हुआ है मैम. और उसकी वजह से कभी अफेक्ट हुआ है क्वांट्स की यू नो स्ट्रैटेजी में, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में? बहुत बार, क्योंकि मैं प्लानिंग करता था कि इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में मुझे क्वांट के, एरिथमेटिक के ये सब टॉपिक करना है, बट नहीं हो पाते थे. तो मैं यही सोचता था कि इस वक्त में मैं रीजनिंग कर लूँ. अगर एक बार रीजनिंग करने बैठा तो वही करते रहता था. सो इट इनडायरेक्टली अफेक्ट माई क्वांट ऑल्सो, यू आर राइट मैम, ये होता है. ठीक है. एंड इसमें ही मैं मेंस का भी पूछूंगी. सो बिकॉज मेंस के लिए टाइम बहुत कम मिलता है, तो आपने क्वांट्स की प्रिपरेशन भी आई एम होपिंग प्रीलिम्स के टाइम से ही स्टार्ट कर दी होगी, राइट? तो आपने उसको कैसे डिफरेंशिएट किया कि प्रीलिम्स का मुझे इतना ही करना है और मेंस के लिए इस टाइम से पढ़ना है, ऐसा कुछ आपका डिफरेंशिएशन था? फॉर ऑल सब्जेक्ट्स मैम, मेरा सबसे पहला जो प्रिपरेशन, आई एम आस्किंग स्पेसिफिकली फॉर क्वांट्स, स्पेसिफिकली फॉर क्वांट्स. मैम मेरा सबसे पहला क्वांट के लिए फोकस था जो मेरे वीक पॉइंट्स होते हैं. मेरे हर सब्जेक्ट में ये फोकस होता है कि मेरे जो वीक टॉपिक्स होते हैं उसको सबसे पहले कवर करूँ, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन जर्नी शुरू किया था कुछ महीनों पहले, मतलब एग्जामिनेशन के 3-4 महीने पहले, तो मेरे पास टाइम था. तो क्वांट में भी मैंने वैसे ही किया, जो एरिथमेटिक के जो कुछ वीक टॉपिक्स थे उनको कवर करने की कोशिश किया. ठीक है, जैसे स्पीड मैथ, एरिथमेटिक और DI हुआ, मुझे लगा कि अब मैं प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर कर पाऊंगा, देन मैं मेंस की तरफ बढ़ा. ठीक है, अगर क्या होता है, अगर आप प्रीलिम्स में अगर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि क्वांट ऐसा एक सब्जेक्ट होता है अगर आप कर पाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, अगर आप नहीं करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी कम होता है. तो इस वजह से मैंने कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की, देन कुछ महीनों बाद या फिर कुछ दिनों बाद मैंने मेंस की भी DI लगाना शुरू किया था, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको DI सॉल्व करने के लिए.
तो आपने मॉक भी साथ में स्टार्ट कर दिया थे? यस मैम, मुझे याद है कि जैसे ही मैंने प्रिपरेशन शुरू किया था तो ऑलमोस्ट 2 वीक बाद मैंने मॉक देना शुरू कर दिया था. सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि आरआरबी के एग्ज़ाम्स थे तो आरआरबी के मॉक्स मैं देता था. डेली मैंने दो देने की कोशिश कर रहा था. स्टार्टिंग में कुछ एक से स्टार्ट किया, पर धीरे धीरे करके मैंने पर डे 2 मॉक्स देने की कोशिश की. और मॉक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं. तो आप प्रीलिम्स के मॉक्स कैसे करते थे? मतलब आप टाइम के साथ करते थे या फिर आप उसमें एक्यूरेसी को इम्पोर्टेंस देते थे ज़्यादा? मैम, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक्यूरेसी में. राइट, एक्यूरेसी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है. अगर आपकी एक्यूरेसी धीरे धीरे एक्यूरेसी अच्छी है तो धीरे धीरे आपको टाइम कम लगता जाएगा. सो इन माई केस मैंने एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाया था कि अगर कोई भी मॉक होता है तो मैं इस तरीके से दूंगा. अगर मैं मुझे कम मार्क्स मिलते हैं इट्स ओके, मैं उसको रिकवर मतलब अच्छा करने की कोशिश करूंगा, पर एक इसी तरीके से मैं मॉक दूंगा. तो मैंने ये स्ट्रेटेजी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए भी लगाई, आरआरबीज के लिए भी, आईबीपीएस पीओ के लिए भी और एसबीआई पीओ के लिए भी. सो क्या हुआ, जब मैंने प्रिपरेशन दिया मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो सबसे पहले आरआरबी के एग्ज़ाम्स में मैं फेल हो गया था. आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क एंड आईबीपीएस क्लर्क में मैं फेल हुआ था. सो स्ट्रैटेजी सेम ही थी कि इस तरीके से मुझे मॉक लगाना है. ठीक है, स्टिल मैं फेल हुआ. तो मैंने रीज़न ढूंढने की कोशिश किया कि स्ट्रैटेजी क्यों फेल हो रही है, मैं मतलब मेरी एग्जामिनेशन क्यों फेल हो रहा है. सो जब मुझे पता चला कि इन प्रॉपर रीजंस की वजह से ये स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है तो उन मैंने रीजंस पे काम किया और उसी स्ट्रैटेजी से मैंने आगे के 3 एग्जाम्स निकाला. तो मतलब स्ट्रैटेजी भी बहुत आपका फ्लेक्सिबल होना चाहिए. अगर आपको लग रहा है दिस इज़ नॉट वर्किंग फॉर यू तो आप उसको हिट एंड ट्रायल मेथड से आप उसको चेंज करो ताकि वो आपके प्रिपरेशन के साथ बैठ पाए. राइट, यस मैम, क्योंकि आपके पास काफ़ी कम समय होता है. अगर आप जल्दी से अडाप्ट नहीं कर पाओगे तो मे बी समवन मतलब कोई आगे निकल जाएगा आपके. राइट राइट. एंड आपको क्या लगता है एनालिसिस करना एक मॉक टेस्ट पेपर का कितना इम्पोर्टेंट है? इन माय केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप प्रिपरेशन शुरू करते हो तो आपको पता नहीं होता कि आपको कौन से सब्जेक्ट में किस सब्जेक्ट में कितना टाइम लगेगा, किस टॉपिक में आपको कितना टाइम लगेगा. अगर आप प्रॉपर एनालिसिस करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे स्पीड मैथ्स इस पर्टिकुलर टाइम में कवर करना था, मुझे DI इस टाइम में कवर करना था, मुझे रीजनिंग की एक पजल 2 या 3 मिनट में कवर करना था. अगर आप उस तरीके से सोचते हो तो प्रैक्टिस भी आप उसी तरीके से करते हो कि मुझे 2 मिनट में प्रीलिम्स की पजल कवर करना है, 10 मिनट में स्टार्टिंग में, 15 मिनट में मुझे मेंस की पजल कवर करना है. तो उसी तरीके से आपका माइंड वर्क करता है मैम. सो एनालिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है. और आपने एक दिन में कितने मॉक टेस्ट पेपर मतलब मॉक पेपर्स दिए होंगे? मैक्सिमम तो 3 दिया था आरआरबीज के, बट एक दो दिन ही हुआ था, पर मिनिमम मैं 2 देने की कोशिश करता था. तो आप तीनों के तीनों पेपर्स का एनालिसिस भी सेम डे ही करते थे? हाँ मैम, सेम डे ही करता था. मतलब अगर 45 मिनट्स का पेपर्स होते हैं तो 45 मिनट्स के बाद आप अगर आप 1 घंटा मॉक के एनालिसिस में करते हैं सो इट्स गुड फॉर यू. ठीक है, नाउ गोइंग टू द प्रीलिम्स एग्जाम. ठीक है, जब आप प्रीलिम्स का एग्जाम देने जा रहे थे व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस कि इट इज़ गोइंग टू बी इजी, आई एल एबल टू क्रैक इट, ऐसा था या फिर ऐसा था कि नहीं इवन इफ इट इज़ प्रीलिम्स आई एम गोइंग टू गिव माय बेस्ट? व्हाट वाज योर थिंकिंग, मतलब क्या थॉट प्रोसेस था उस टाइम? अच्छा क्वेश्चन है. सबसे पहले मेरा एग्जाम हुआ था आरआरबी क्लर्क का, मॉर्निंग की 2nd shift. सो मैं जब एग्जामिनेशन में देने जा रहा था आई वॉज ओके, मुझे लगा कि कुछ भी हो जाए मुझे तो मैंने सब पढ़ाई किया है मुझे आ जाएगा. बट जैसे मैं अंदर मतलब एग्जामिनेशन में हॉल की तरफ जा रहा था तो ऑटोमेटिकली एक प्रेशर बिल्डअप होते गया, लोगों को देखते गया, फिर मुझे अपना पास्ट याद आता गया कि मैं फेल हो चुका था वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें याद आती गई. सो उसका एक अलग से प्रेशर बना और वही एक रीज़न था आरआरबी क्लर्क का फेल होने के पीछे. देन सेम आरआरबी पीओज के फेल होने के पीछे अलग रीज़न था कि मैंने सबसे पहले एक पज़ल उठाया था, पज़ल सॉल्व किया था मैंने रीजनिंग का, पज़ल नहीं जम पा रहा था तो भी मैंने उसको 5-10 मिनट ज़्यादा दिए, तो इसी वजह से जो कॉन्ट का जो टॉपिक था कॉन्ट करने के लिए मुझे काफ़ी कम समय मिला, एक रीज़न था आरआरबीज का. तो ये सब चीज़ों के इन सब चीज़ों पर ही मैंने वर्क किया, इसी वजह से बाकी की जो 3 एग्जामिनेशन थी वो निकल पाई. यही है कि अगर मैं इसको छोटे शब्दों में कहूँ कि अपने जो जहाँ आप फेल हुए हो आपको वो भी अपना याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको उससे काफ़ी कुछ चीज़ें लर्न करने को मिलेगी एंड इन द नेक्स्ट एग्जाम यू विल नॉट बी डूइंग ऑल ऑफ दैट. राइट, और आपने भी अपने एग्जाम में सेम ही किया. प्रीलिम्स में तो जब आप एंटर कर रहे थे जब आप नर्वस थे
आपने अपने आपको काम कैसे किया इस चीज़ को लेके? मैम, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 3 प्रीलिम्स फेल होने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ अगर मैं उसी सेम वे से अगर एग्जामिनेशन हॉल में जाता हूँ तो आगे के 3 प्रीलिम्स भी फेल होंगे। देन सिमिलरली जो 3-4 साल से प्रोसेस शुरू है वही रिपीटेडली शुरू होगी। तो इस बार मैंने सोचा कि कुछ सोचना ही नहीं है एग्जामिनेशन क्या होने वाले, क्योंकि मुझे खुद में पता था कि मैंने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से किया है, मॉक्स वगैरह दिया है, सो जो क्वेश्चंस आएंगे वो मुझे आने ही वाले हैं। तो इस माइंडसेट से मैं अगले एग्जामिनेशन देने गया था। सो मेरी नेक्स्ट मतलब 3 फेल होने के बाद मेरी चौथी एग्जाम थी IBPS PO की। सो इन दैट एग्जामिनेशन आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट और इसी कॉन्फिडेंट के साथ गया और मैंने एक अच्छा स्कोर कर पाया उस पर्टिकुलर एग्जाम में। एंड व्हाट अबाउट SBI PO का प्रीलिम्स, उसमें आपका कैसा था? How were you feeling at that time? मैम, SBI PO का मुझे याद है कि मैं एग्ज़ाम देने से कुछ मिनट्स पहले थोड़ा डीमोटिवेटेड सा था, जस्ट बिकॉज कुछ एक्सीडेंट का कुछ ऐसे हो रहा था। बट मैं सोच रहा था उस दिन कि जो कुछ भी होगा सब अच्छा ही होगा, सो आई सर्वाइव्ड ऑन दैट डे। सो जो कुछ भी होगा अच्छा होगा, फिर मैं जैसे लगा मुझे कि अच्छा हो रहा है, सो वही कॉन्फिडेंस मुझे आपका बिल्ड हो गया, आपका मेरा बिल्ड हो गया कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। और जब मैं एक क्वेश्चन था रीजनिंग का, सो अगले लास्ट के 5-10 मिनट में ही मैंने उसको सॉल्व कर दिया था। सो अगर वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता उस पर्टिकुलर 2-3 मिनट में तो मैं शायद SBI PO नहीं बन पाता। सो अगर आप सोचते हैं कि आपके साथ सब अच्छा होने वाला है क्योंकि आपने प्रिपरेशन तो किया है, अगर आप एग्ज़ाम डे के दिन आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपका बस माइंडसेट किस तरीके से होता है उस पर्टिकुलर डे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि क्या होता है, आपसे ज़्यादा पढ़ाई करने वाले भी एस्पिरेंट्स होते हैं वहाँ पे, आपसे कम पढ़ाई करने वाले भी एस्पिरेंट्स होते हैं, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कम पढ़ाई करने वाले एस्पिरेंट निकल जाते हैं जस्ट बिकॉज उनका एक वे रहता है, उनका एक कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं इस एग्जामिनेशन को निकाल पाऊँगा। अगर आप वो कॉन्फिडेंस अगर आप बिल्ड कर पाते हैं, एस्पिरेंट अगर आप वो कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाते हैं तो डेफिनेटली आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि आपकी पढ़ाई की मेहनत उसी दिन के लिए है, उसी एग्जाम दिन के लिए, और उसी दिन अगर आप घबरा जाओगे, आप पैनिक में आप क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे या पैनिक को ओवरटेक करने दोगे अपने कॉन्फिडेंस को, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। यस मैम, मेजर प्रॉब्लम है ये सब, क्योंकि मैंने भी फेस किया है कि हम जब एग्जामिनेशन डे में जाते हैं तो पैनिक होता है, अगर आप उसी चीज़ को कवर कर पाते हैं तो आपको 50% उस पर्टिकुलर डे के लिए काम फिनिश हो जाता है। यहाँ पे मैं आपसे एक और चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, इट्स फॉर द एस्पिरेंट्स जस्ट लाइक यू जिन्होंने जो बहुत सारे फेलियर्स के बाद शायद नेक्स्ट एग्जाम देने वाले होंगे और उनके मन में एक डीमोटिवेशन होगा, जैसे आपने बोला कि आपके 3 प्रीलिम्स नहीं हो पाए और जब आप जा रहे थे तो एकदम वो थॉट आ गया था आपके दिमाग में, एनी मैसेज टू देम कि इट्स मतलब वट एवर मैसेज यू वांट टू टेल दोज एस्पिरेंट्स प्लीज। देखिए, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप फॉर एग्जांपल RRBs की है, IBPS PO's की है, बैंकिंग एग्जामिनेशन की सबसे अच्छी बात है कि अगर आप एक चांस फेल कर दें तो आपके पास दूसरा चांस होता है, अगर आप 6 चांस फेल कर पा रहे तो 6 महीने के बाद आपके पास और 6 चांसेस आते हैं। सो मेरा आपको सजेशन ये रहेगा कि अगर आप उसी दिन पर्टिकुलर एग्ज़ाम में फेल हो रहे हैं या फिर आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, सो डोंट वरी, इट इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम, एक जस्ट एक एग्ज़ाम है, अगर आप उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह लेंगे तो आप डेफिनेटली एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। एंड राइटली सेड कि दिस इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम, वो आपका एक पार्ट ऑफ लाइफ है, इट्स नॉट योर लाइफ, तो आप उसकी वजह से बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत होइए, उसको ओवरटेक मत करने दीजिए, एग्ज़ाम का दिन है, गिव योर बेस्ट, दैट इज़ ओनली एट दैट डे यू कैन डू, राइट। ठीक है, सो नाउ आई एम कमिंग टू द मेंस। जब आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया एंड आपको ये पता लग गया कि ठीक है एक पड़ाव इज डन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो हाउ डिड यू फील व्हेन यू कंप्लीटेड लाइक क्लियर्ड प्रीलिम्स। मैम, मुझे याद है कि सबसे पहला मेरा प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था वो IBPS PO का आया था। सो दैट डे मुझे ऐसे लग रहा था कि मैंने IBPS PO की एग्ज़ाम ही क्रैक कर चुका हूँ, क्योंकि बहुत समय के बाद एक सक्सेस हाथ में लगा था। सो उसी दिन एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो चुका था कि नहीं कि हम IBPS PO की एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। सो मुझे याद है कि कुछ एक महीने का पीरियड था या फिर 15-20 दिनों का पीरियड था मेंस एग्जामिनेशन में। सो उस वक्त करना क्या होता है, जो मैंने पहले करंट अफेयर्स पढ़ना था उसको एक रिवाइज़ किया,
ठीक है, इंग्लिश की जो इंग्लिश प्रीलिम्स के क्वेश्चन और मेंस के क्वेश्चन अलग होते हैं, या फिर कॉम्प्रहेंशन ज़्यादा होता है, या फिर आपको अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़रूरी होती है, तो अगर आप मेंस लेवल के क्वेश्चन करते हैं मॉक्स से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने मॉक्स लगाने की कोशिश की और मैंने सबसे बढ़िया बात जो मैंने की, मुझे लगता है जो मेरे दो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट थे उसको मैंने और स्ट्रॉन्ग बनाया, जैसे इंग्लिश और रीजनिंग को, इंग्लिश और करंट अफेयर्स को स्ट्रॉन्ग बनाया। और मुझे पता था अगर रीजनिंग में मैं थोड़ा कम पढ़ता हूँ तो बेसिक नॉलेज मुझे इतना है कि मैं एटलीस्ट जो छोटे छोटे पजल्स होते हैं वो मैं सॉल्व कर पाऊँगा, जो मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं वो मैं सॉल्व कर पाऊँगा। और मैं ऐसे ही हुआ, मुझे याद है कि जितने भी मेंस मैंने दिए हैं उसमें कम से कम एटलीस्ट एक दो मैंने पजल्स सॉल्व किया है विदाउट एनी प्रैक्टिस, ओके, मिसलेनियस भी सॉल्व किया। तो अगर हम कॉन की बात करें मेंस एग्जामिनेशन में, सो ये मेरा थोड़ा वीक पॉइंट था, तो इसमें मैं थोड़े कम क्वेश्चन सॉल्व करता था, बट मैं हमेशा ये सोचता था कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में अगर कम करता हूँ तो उसको कवर करने के लिए मैं दूसरा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करूँ। और अगर आप इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो इसके एक अलग एडवांटेजेस हैं, जैसे कि डिस्क्रिप्टिव पेपर्स होते हैं आपके मेंस में, IBPS PO मेंस में होता है और SBI PO मेंस में डिस्क्रिप्टिव होते हैं, तो अगर आप इंग्लिश करते हैं तो डिस्क्रिप्टिव में आपको काफ़ी अच्छा एडवांटेज मिलता है, डिस्क्रिप्टिव काफ़ी अच्छा होता है। और दूसरी बात यह है कि आपको रीजनिंग के जो इंग्लिश के सेंटेंसेस होते हैं वो आपको जल्दी समझ में आता है, वो रीजनिंग के लिए भी क्वांट के लिए भी, इसलिए इंग्लिश काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, और मैं आपसे बहुत एग्री करती हूँ, क्योंकि लोग काफ़ी बार ना इंग्लिश को छोड़ देते हैं क्योंकि उनको ये लगता है इट्स ईजी, हम कर लेंगे, इट इज़ ईजी नो डाउट, लेकिन आपको वो चीज़ बहुत सारी जगह हेल्प और जगह करता है, तो आपको उसको और स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आपने ऑलरेडी बोला रीजनिंग में आपको हेल्प करा और आपको डिस्क्रिप्टिव में भी काफ़ी, एंड वन मोर थिंग, इंटरव्यूज में भी काफ़ी, इंटरव्यूज में भी आपको काफ़ी, तो उसको नहीं छोड़ना। इंग्लिश को, इंग्लिश हो या करंट अफेयर, विच एवर इज़ योर स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट, मेक इट मोर स्ट्रॉन्ग, उसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है अपने प्रिपरेशन में। इसी पॉइंट्स को मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि मैंने आपको बोला था कि मैं प्रिपरेशन करने के पहले उसका स्टडी किया था कि किस तरह की एग्जाम होती है, तो आप कोई भी एग्जाम अगर प्रिपरेशन करें, UPSC या फिर SSC या फिर बैंकिंग, तो आपको प्रोसेस पता होनी चाहिए कि कॉमन सब्जेक्ट्स कौन से हैं, हमें पर्टिकुलर मेंस को, प्रीलिम्स को कितना टाइम देना चाहिए। आपको सबसे पहले ये सब चीज़ स्टडी करना है, देन उसके बाद ही प्रिपरेशन शुरू करना है। अगर आप हैफ हैजर्ड वे में अगर प्रिपरेशन शुरू करते हैं, देन 15 दिनों के बाद नहीं हो पाता है, क्योंकि आपके सारे रिसोर्सेज अलग अलग जगह होते हैं, मॉक्स अलग अलग जगह होते हैं, बहुत क्योटिक फील होता है। अगर आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग होते हैं तो आप डेफिनेटली एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। जैसे आपने बोला कि प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए चीज़ों को लेके, तो आप मुझे ये बताइए कि आपने क्या ये प्लान कर रखा था कि जो आप एग्ज़ाम देने वाले हो, बिकॉज आपको सेगमेंट्स मिलेंगे, तो इस सेगमेंट में इतने क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करने, आपने इस तरीके से सोच रखा था पहले से व्हेन यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन जर्नी? नहीं मैम, ये मैंने नहीं सोचा था, जस्ट बिकॉज आपका हर एग्जामिनेशन में डिफ़िकल्टी लेवल अलग होती है। अगर आप ये सब चीज़ें सोच के जाते हो, जस्ट फॉर एग्जाम्पल एग्जाम हार्ड आई, अगर आप ये सोच के जाते हो कि मुझे इस नंबर ऑफ क्वेश्चन, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने थे, तो इसका इफेक्ट आपके दूसरे सेक्शन पे पड़ता है कि मैंने क्वांट में इतनी मुझे करना था, मैंने नहीं किया, तो उसकी वजह से आपका रीजनिंग भी खराब होता है, इंग्लिश भी खराब होता है। तो इसलिए मैंने ये सोच के नहीं गया था, तो मैं ये सोच के गया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट करना चाहता हूँ और कर सकता हूँ, बस इतना ही सोच काफ़ी थी उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो आपने इंग्लिश का तो आपने अपना प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बता दिया, आई वुड लाइक टू नो अबाउट क्वांट्स, यहाँ पे कि क्वांट्स को आपने और कितना टाइम दिया या फिर आपने थोड़ा सा कम टाइम दिया, हाउ डिड यू मैनेज दिस इन दोज टाइम पीरियड वेयर प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आपको जो टाइम मिला 18 डेज 20 डेज जितने भी डेज का मिला, उसमें आपने इस टाइम पे कैसे प्रिपेयर किया था फॉर द क्वांट्स? क्वांट्स के लिए सबसे बेसिक रिसोर्सेज उस वक्त मेरे पास थे, वो थे मॉक्स। कुछ मॉक्स ऐसे अच्छे थे कि आपको एक स्टैंडर्ड लेवल ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं, सो मैं वो स्टैंडर्ड लेवल ऑफ क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करता था, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं स्टार्टिंग से प्रिपरेशन किया था, तो उस वक्त मैंने क्वांट के बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लिए थे, अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुकी थी, अब जब बस मुझे उसको अब अच्छा करना था, सो वही वक्त था। तो उस पर्टिकुलर पीरियड में, जैसे प्रीलिम्स के बाद मेंस के, उस पर्टिकुलर पीरियड में मैंने मॉक्स लगाए और क्वांट के जो क्वेश्चंस होते उनको सॉल्व करने की कोशिश किया, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉक्स लगाए और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश किया। TIs थे, मिसलेनियस थे, कुछ टॉपिक्स काफ़ी इजी होते हैं, जैसे नंबर सीरीज भी आती है, अगर आप वो सॉल्व करते हैं
तो आपका हो जाएगा। तो कोई ऐसा सेक्शन फॉर पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट मेंस हियर, जो प्रिपरेशन के टाइम पे कोई ऐसा टॉपिक जहाँ पे आपको जब आपका लेवल अप हो गया प्रिपरेशन में भी एंड इवन क्वेश्चंस के उसमें भी आपको लगा ये इतना डिफिकल्ट आएगा तो मैं कैसे इसको हैंडल करूँगा व्हाइल इट इज़ इन पेपर, ऐसा कोई पार्ट था आपका क्वांट्स को लेके? यस मैम थे। कौन सा वाला? डीआईएस मीन्स की काफ़ी टफ्स होते हैं क्योंकि सबसे पहले आपको समझना पड़ता है कि डीआईएस में पूछा क्या जा रहा है एंड क्वेश्चन भी लेंथी होता है, क्वेश्चंस भी लेंथी होते हैं, स्क्रीन का भी इशू होता है क्योंकि आपको बाहर जाना पड़ता है स्क्रीन के, मतलब क्वेश्चंस भी काफ़ी लेंथी होते हैं, स्क्रोल आपको स्क्रोल अप स्क्रोल डाउन करना पड़ता है, सो वो भी काफ़ी टीडियस टास्क होता है। सो डीआई एक ऐसा मुझे सेगमेंट था क्योंकि मिसलिनियस में क्या था, मिसलिनियस में दो थे एरिथमेटिक एंड नंबर सीरीज, नंबर सीरीज वगैरह थे। अगर नंबर सीरीज आते हैं तो कर सकते थे, पर एरिथमेटिक अगर आता है सो थोड़ा मैं स्टक होता था, तो मैं उसको रिकवर करने के लिए मैंने डीआई करने की कोशिश किया। सो मीन्स की डीआई मैंने सॉल्व किया, जैसे मैंने आपको बोला था कि मॉक से मीन्स की डीआई सॉल्व किया। और कुछ ऐसे जो टॉपिक्स थे, कुछ टॉपिक्स आसान होते हैं जैसे परसेंटेज हैं या फिर कुछ प्रॉफिट एंड लॉस हैं। एरिथमेटिक मतलब पूरा एरिथमेटिक डिफिकल्ट नहीं है, उसमें से कुछ पोर्शंस डिफिकल्ट हैं, अगर आप वो स्किप करना चाहो तो स्किप कर सकते हो। पर मेरा सजेशन ये होगा कि आप एरिथमेटिक को कम्प्लीटली स्किप मत कीजिएगा क्योंकि एरिथमेटिक एड ऑन करता है आपके मार्क्स को, और सच में कुछ टॉपिक्स काफ़ी ईजी होते हैं तो उसको आपको अच्छे से करना है। तो जो आपका पोर्शन अगर डिफिकल्ट है तो आप उसको थोड़ा कम आप कर सकते हो, लेकिन पूरी तरीके से मत छोड़िए, राइट? दैट्स व्हाट यू आर राइट, राइट। पूरी तरीके से छोड़ना इज नॉट अलाउड इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अगर आप नहीं करते हैं तो कोई और कर लेता है और वो आगे निकल जाता है। तो आपने क्या किया था, क्योंकि आप जैसे बोल रहे हो कि डी आई आपको डिफिकल्ट लगा, तो आपने किस दूसरे सेक्शन में ज़्यादा ध्यान दिया था उस चीज़ को कवर अप करने के लिए? मैम जैसे मैंने कहा कि इस पर्टिकुलर क्वांट में तीन सेक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं, डी आई, नंबर सीरीज एंड एरिथमेटिक, राइट? ठीक है, नंबर सीरीज तो मैं कर लेता था या फिर जो मिसलेनियस थे वो मैं कर लेता था, तो मेरे पास ऑप्शंस थे मिसलेनियस या फिर डी आई, ठीक है। तो मैं डी आई को अच्छा करने की कोशिश करता था क्योंकि मिसलेनियस में भी काफ़ी तरह के क्वेश्चंस होते हैं, और अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस करता हूँ या फिर कुछ अलग क्वेश्चंस करता हूँ मे भी वो सवाल नहीं आएंगे, पर डी आई 100% डेफिनेटली आएगा। और डी आई आपको प्रीलिम्स में भी आएगा, मेंस में भी आएगा, तो डी आई को आप स्किप नहीं कर सकते। सो मेरा जो फोकस था वो डी आई पे था एंड जो मिसलेनियस टॉपिक्स होते उन पे था। तो आपने डी आई को भी अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट, मतलब जितना हो सके जितना उतना उसको बनाने की कोशिश किया। नाउ कमिंग टू रीजनिंग, सो रीजनिंग अगेन, इवन इफ इट वॉज ईजी इन द प्रीलिम्स, आई एम श्योर मेंस में इसका लेवल और हार्ड हो जाता है। एंड मैंने ये भी सुना है कई बार कि मेंस के रीजनिंग इतने टफ हो जाते हैं कभी कभार कि आप नहीं सॉल्व कर पाते हो। सो आपका क्या एक्सपीरियंस है इस बारे के, मतलब दोनों ही एग्जाम, आई एम टॉकिंग अबाउट IBPS एंड SBI, दोनों ही पूछ रही हूँ मैं। रीजनिंग आपने सही बोला कि प्रीलिम्स की जो रीजनिंग होती है काफ़ी इजी होती है और मेंस की रीजनिंग होती है वो काफ़ी टफ होती है। बट ऐसा है कि रीजनिंग में मिसलिनियस टॉपिक्स काफ़ी अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू क्वांट। रीजनिंग में काफ़ी मिसलिनियस टॉपिक्स होते हैं जो आप अच्छे से कर सकते हैं, जैसे कि सिलॉजिज्म हो गए, ब्लड डिलीशन, अगर ये टॉपिक अगर आप अच्छे से करते हैं तो डेफिनेटली आपको एज मिलता है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको वहाँ पे जो पजल्स हैं वो सॉल्व नहीं करना है। अगर आपके पास वहाँ पे 5 या 6 पजल्स आते हैं, अगर आप सबसे अच्छे पजल्स आपको पिक करना है, मतलब अगर आप ऐसे पजल्स पिक करते हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं तो आपका काम वहीं पे बन जाता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गलतियाँ यही करते हैं कि पिकअप पिक क्वेश्चन अच्छे से नहीं कर पाते, पर्टिकुलरली मेंस एग्जामिनेशन में। मैं यही पॉइंट ऐड करने वाला था कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप किस तरीके से पिक करते हैं दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक पजल सॉल्व करने की कोशिश किया, मैं 10 मिनट तक सॉल्व करते रहा और सॉल्व नहीं कर पाया, तो मेरे 10 मिनट उस पर्टिकुलर एग्जाम में मतलब चले गए और एक प्रेशर भी बिल्डअप हो गया कि 10 मिनट मेरे वेस्ट हो गए करके। सो ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप किस तरीके से क्वेश्चन पिक करते हैं दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको पिक करने में कौन मदद करेगा, आपका आपने किस तरीके से मॉक्स दिया है, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से हैं, जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपको पता होता है कि आपके ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, तो आप उसी तरह के क्वेश्चन को पिक करोगे, आपको पता चल जाए कि नहीं ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ, ये क्वेश्चन मैं छोड़ सकता हूँ,
छोड़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेंस में. अगर आप जो डिफिकल्ट क्वेश्चन छोड़ देते हो ना तो आपका काम वही बन जाता है. बट वो छोड़ने का वो भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप स्टक हो जाओ उसके अंदर. हाँ, स्टक हो जाओ कि आप 5-10 मिनट उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगा रहे हैं फिर बाद में छोड़ रहे हैं, दैट इज गोइंग नॉट. दैट इज अगर आप एक क्वेश्चन में ऐसा कर रहे हैं तो ठीक है, पर आप सिमिलरली ऐसे 2-3 क्वेश्चन में कर रहे हैं सो इट इज़ नॉट ओके. राइट, ठीक है. इसमें मैं एक और चीज़ पूछूंगी, बिकॉज मेंस में हमारा करंट अफेयर्स हो जाता है, जनरल अवेयरनेस हो जाता है, इवन बैंकिंग अवेयरनेस हो जाता है, उसकी प्रिपरेशन आप जैसे बोल चुके हो, करंट अफेयर्स का आप ऑलरेडी बोल चुके हो कि पहले से. व्हाट अबाउट बैंकिंग अवेयरनेस, व्हाट अबाउट जनरल अवेयरनेस, हाउ डिड यू स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर दैट एंड व्हेन डिड यू स्टार्ट द प्रिपरेशन? मैम, बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस थोड़े लिमिटेड होते हैं और स्टैटिक भी एक पोर्शन होता है जो करंट अफेयर्स के साथ कवर हो जाता है. ठीक है, तो बैंकिंग अवेयरनेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, आपको बैंकिंग का जो बैंकिंग के की टर्मिनोलॉजीज हैं वो पता होनी चाहिए. तो सबसे पहले मैंने वो की टर्मिनोलॉजीज पता करने की कोशिश की, ऑनलाइन PDF सर्च किए, कुछ PDF अच्छे मिले मुझे, तो मैंने वो पढ़ा, बैंकिंग की टर्मिनोलॉजीज क्लियर की, देन उसी के रिलेटेड क्वेश्चंस थे उनके, उसी के रिलेटेड करंट अफेयर्स थे. राइट, सो ऐसा नहीं है कि आपको बेसिकली मतलब वो बेसिक क्वेश्चन ही पूछेंगे कि रेपो रेट क्या होता है या फिर बेसिक या फिर बेस रेट क्या होता है, ऐसे नहीं. करंट अफेयर्स से रिलेटेड करके पूछते हैं. So, आपको कोई क्वेश्चन अगर ऐसे याद हो तो कैन यू गिव एन एग्जांपल टू द ऑडियंस इफ यू रिमेंबर एनी ऑफ द क्वेश्चन? यस मैम, मुझे याद है कि SBI PO के एग्जाम में मुझे एक रेपो रेट का क्वेश्चन पूछा गया था. आई गेस SBI क्लर्क की एग्जाम थी, तो मुझे रेपो रेट का क्वेश्चन पूछा गया था कि उस पर्टिकुलर जो MPC की मीटिंग हुई है, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई है, तो उस कमेटी की मीटिंग में कितना रेपो रेट रखा गया था, तो मुझे याद था. सो इट इज हाउ इट इज कि जैसे करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं. ठीक है, प्लीज कंटिन्यू व्हाट यू वर सेइंग कि करंट अफेयर्स का आपने कैसे प्रिपरेशन करा था, करंट अफेयर्स एंड बैंकिंग अवेयरनेस. करंट अफेयर्स के लिए तरीके होते हैं मैम कि आप डेली करते हैं, वीकली करते हैं या फिर मंथली करते हैं. तो मेरा बेसिक कंसेप्ट था कि मैं थोड़ा आधा घंटा डेली करता था, न्यूज़पेपर वगैरह देखता था या फिर कोई साइट विजिट करता था, उसको मैं डेली करता था. पर मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा जो ज़्यादा था वो मंथली की PDF करने में ज़्यादा था. राइट, क्योंकि वीकली करते हैं तो थोड़ा इन माय पॉइंट ऑफ व्यू उसमें इन्फॉर्मेशन थोड़ी कम होती है. अगर आप मंथली करते हैं तो आपके पास 300-400 पेजेस की PDFs होती हैं. तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स या फिर एस्पिरेंट्स ये कहते हैं कि 300-400 पेजेस की PDF देख के वो नहीं करना चाहते हैं. बट इन माय पॉइंट ऑफ व्यू आपको 300-400 पेजेस में से सिर्फ 150 पेजेस इंपॉर्टेंट है. राइट, आपको बस ढूंढते आना चाहिए कि ये पेजेस या फिर ये टॉपिक मेरे लिए इंपॉर्टेंट है. तो अगर आपको ये पता चल जाता है कि इस पर्टिकुलर ये टॉपिक मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये 150 पेजेस मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको 400 पेजेस पढ़ने की जरूरत नहीं है. तो ऐसे ही मैंने कवर किया था, मैंने मंथली PDFs किए थे ऑलमोस्ट 6-7 महीने के. और आई एग्री विथ माई एक्सपीरियंस की 4-6 महीने के जो PDFs होते हैं वो याद नहीं रहते हैं. बट तो उसी के लिए एक रिवीजन होता है. आप अगर वीकली रिवाइज करते हैं या फिर आप जैसे कि आपको टाइम मिलता है प्रीलिम्स और मेंस के बाद, आप उस समय रिवाइज करते हैं तो आपको याद रहेगा. अगर आप उस समय पढ़ते हैं तो आपको याद नहीं रहेगा. और दूसरा क्वेश्चन आता है नोट्स का. सो मैंने नोट्स नहीं बनाए थे मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स के, बट कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जैसे इंडेक्सेस होते हैं, ऑबिचुरीज होती हैं, तो उसके मैंने थोड़े शॉर्ट नोट्स बनाए थे. मैम, और स्टूडेंट्स में मिसकंसेप्शंस होते हैं कि जैसे कि ऑबिचुरीज पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है या फिर कुछ टॉपिक्स छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है. सो जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, तो मुझे डेज याद नहीं रहते थे. मुझे पता था कि डेज के क्वेश्चन आते हैं कि एनवायरमेंटल डे कब है, ये सब क्वेश्चन आते हैं, पर मुझे याद नहीं रहते. तो इसलिए मैंने डेज का छोड़ दिया था. पर मैंने एक ही टॉपिक छोड़ा था, बाकी के सारे टॉपिक्स मैंने ऑबिचुरीज वगैरह सारे कवर कर लिए थे. अगर ऑबिचुरीज भी छोड़ेंगे, अगर आप डेज भी छोड़ेंगे, तो ये आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट होगा. मतलब आप अपने लिए खुद वो चीज़ लिमिट कर रहे हो चीज़ों. हाँ. क्योंकि ये भी हो सकता है कि इन दो सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए. हाँ. आप उनको नहीं अटेंड कर पाओ. हाँ, नहीं अटेंड कर पाओ. मुझे याद है कि SBI PO के एग्जाम्स में 2 ऑबिचुरीज के क्वेश्चन थे. अगर उस वक्त मैं ऑबिचुरीज छोड़ देता तो मे बी नहीं आते, नहीं हो पाता. क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को एस्पिरेंट्स को ऑबिचुरीज के क्वेश्चन नहीं आते थे, पर मैंने पढ़ा था तो मुझे आ रहे थे. सो यही डिफरेंस होता है. तो आपने डेज जैसे बोला कि आपको डेज याद रखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, सो फिर भी आपने एक बार भी उसको गो थ्रू भी नहीं करा कि बिल्कुल, या फिर बिल्कुल ही छोड़ दिया कि नहीं इसमें बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना है, लेट्स
जस्ट फोकस ऑन अदर सेगमेंट्स। टू बी हॉनेस्ट मैम, मैंने उनको छोड़ ही दिया था। मैंने, मुझे याद नहीं हो पा रहा था, तो मैंने सोचा कि अगर एक टॉपिक नहीं हो पा रहा है तो मैं जो दूसरे टॉपिक से उसको स्ट्रॉन्ग करता हूँ, पर्टिकुलर इसकी जगह मैं दूसरे टॉपिक स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता हूँ। तो टू बी हॉनेस्ट मैंने डेज याद किया ही नहीं डे वन से। ठीक है, नाउ कमिंग टू द मॉक पेपर्स अगेन, आपने मॉक पेपर्स मेंस के लिए कितने दिए थे एक दिन में, और डू यू यूज़ टू यूज़ अ टाइमर, और आप एक्यूरेसी कैसे बढ़ाते थे, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है जैसे क्वांट्स के लिए तो स्पेशली, इंग्लिश के लिए भी, इंग्लिश तो फिर भी इट्स रीडिंग एंड एवरीथिंग, बट क्वांट्स के लिए, रीजनिंग के लिए एक्यूरेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ़ देर इज़ नो एक्यूरेसी और आपको पता ही नहीं है कि आपका आंसर सही है नहीं है, आप वहीं स्टक हो जाओगे चीज़ों को लेकर। तो आपने कैसे उसके लिए मॉक टेस्ट के थ्रू कैसे करा आपने उसको? मैंने जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का थोड़ा स्टडी होने के बाद मेंस की मॉक लगाना शुरू किया। तो जैसे स्टार्टिंग में थोड़े कम मार्क्स आते थे, बट इट्स ओके क्योंकि प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट हुई थी। सो जो क्वेश्चंस होते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ क्वेश्चन स्किप किए या फिर कुछ क्वेश्चन मुझसे अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे, तो उसको मैं सॉल्व करता था। अगर एक मॉक होता है, मॉक देने के बाद उसको उस क्वेश्चन को सॉल्व करता था। अगर आप ऐसे तीन चार मॉक्स करते हैं तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और कुछ मॉक्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी डिफिकल्ट होती है एज कम्पेयर टू एग्जाम्स। अगर आप वो कर पाते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली आपकी जो एग्ज़ाम है, एक्चुअल एग्ज़ाम, वो आपको आसान लगने लगती है। और ये मेरे साथ हुआ भी। एस्पिरेंट्स जो हार्ड मॉक्स होते हैं उनको देने की कोशिश नहीं करते, बट अगर आप हार्ड देते हैं तो आपको ये चीज़ें आसान लगती हैं। अगर नंबर ऑफ मॉक्स की बात करें तो मैंने प्रीलिम्स के पहले कुछ मॉक्स दे रहा था, बट प्रीलिम्स के बाद मैं तीन या फिर चार दिनों के बाद एक एक मॉक्स देने की कोशिश करता था, और उस मॉक्स को देने के बाद उनको सॉल्व करने की कोशिश करता था। अगर कुछ क्वेश्चंस में से सॉल्व नहीं हो पाते तो उनको मैं मॉक्स देने के बाद सॉल्व करने की कोशिश करता था। और जैसे ही मेंस पास में आया तो मैंने, मुझे याद है कि मैंने दो तीन मॉक्स मतलब स्किप करके दिया है, मतलब टाइम स्किप करके डायरेक्टली सबमिट करके दिया है, ताकि मुझे नंबर ऑफ जो टाइप है क्वेश्चन की वो पता चले। तो इस तरीके से भी मैंने प्रिपरेशन किया है। तो आप एक दिन में कितना देते होंगे मॉक्स के लिए, एक दो मेंस के, कुछ मेंस के? मैं दो या तीन दिन में एक। तो आपने लगा रखा था कि हर रोज एटलीस्ट वन यू हैव टू गिव, राइट? यस मैम, जस्ट बिकॉज मॉक्स देना भी इम्पोर्टेंट है, पर उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप एनालिसिस कैसे करते हो। राइट, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अगर आप क्वेश्चंस, मॉक के क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करते हो घर बैठ के, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप में, फॉर एग्जांपल अगर मैंने मॉक्स दिया, मुझे कुछ मार्क्स आए और जो क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किया, अगर उसी के भरोसे अगर मैं एग्जाम देने जाऊँगा तो मे बी क्लियर नहीं हो पाएगा। जो क्वेश्चंस मैंने नहीं किए, अभी जो क्वेश्चंस मैंने स्किप किए, अगर उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ तो मे बी मैं एग्जाम क्लियर कर पाऊंगा। राइट। तो एग्जाम मतलब मॉक देने के बाद, मेंस की पर्टिकुलरली मॉक देने के बाद, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी समय जाता है। सो दैट्स वाई कि टू डेज में एक मॉक हो पाता था। नाउ कमिंग टू द एग्जाम्स, मेंस के एग्जाम बहुत डिफिकल्ट होते हैं। एग्जाम देने के टाइम पर क्या था आपका, जब आप एग्जाम दे रहे थे कुछ ऐसा पैनिक सिचुएशन अराइज हुआ हो किसी भी वजह से, या फिर कुछ ऑब्स्टेकल आया हो? बिकॉज कभी कभार हमारे सिस्टम ही हैंग हो जाते हैं, कभी कीबोर्ड नहीं चलता है, कभी माउस नहीं चल रहा होता है, कभी नहीं टिक हो रहा होता है। आपके साथ ऐसा कोई सिचुएशन अराइज हुआ था ऐसा मेंस के इसमें? यस मैम, हुआ था। जैसे मैंने, मेरा सबसे पहले IBPS PO के प्रीलिम्स हुआ था, तो जैसे एक एग्ज़ाम आपकी होती है ना, तो आपको मतलब अच्छा लगता है और आप उसी कॉन्फिडेंस से आगे के एग्ज़ाम्स देते हो। सिमिलरली मेरे साथ भी वैसे ही हुआ। मैंने एक एग्ज़ाम प्रीलिम्स करने के बाद मेंस में वही कॉन्फिडेंस था। सो मेंस में इशू ये हुआ था कि मेरा जो स्क्रीन टाइम था, मतलब स्क्रीन था, वो बंद हो चुका था। और इस साल के IBPS PO की एग्ज़ाम काफ़ी टफ थी। प्रीलिम्स सॉरी इंग्लिश इजी था, जीके इजी था, बट क्वांट वाज वेरी डिफिकल्ट। सो क्वांट के वक्त ही मेरा पीसी हैंग हो चुका था। सो मुझे याद है कि उसमें मुझे मेरे पाँच छः मिनट गए होंगे, बट इट वाज मतलब पाँच छः मिनट बहुत होते हैं आपको, बहुत होते हैं एग्जाम में। तो मैंने अगर सोचा, अगर मैं ये 5-6 मिनट बैठ के अगर रोऊंगा तो कुछ नहीं होगा। तो मैंने वापस से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया। और मुझे याद है कि मेरे क्वांट में 5-6 मतलब 7-8 ही क्वेश्चन हुए होंगे, बट 7-8 क्वेश्चन वाज वेरी गुड इन IBPS PO मेंस एग्जामिनेशन दिस ईयर, क्योंकि
एग्जामिनेशन काफ़ी टफ थी। तो आपका एग्जामिनेशन मतलब काफ़ी इसके अलावा वैसे स्मूथ गया, राइट? हाँ, इसके अलावा काफ़ी स्मूथ गया। कोई ऐसा क्वेश्चन जहाँ पे आप अटक गए थे कि एक तो आपने ऑब्स्टेकल की बात करी, एक कोई क्वेश्चन में आप अटक गए हो कि आपने ज़्यादा टाइम भी दे दिया हो एंड लाइक फिर आपको रियलाइजेशन नहीं और ज़्यादा टाइम नहीं देना है, मैं इसके आगे बढ़ता हूँ? मैम, मैंने आपको बोला था कि मेरा आरबी प्यो में ऐसे एक सीनारियो हुआ था मेरे साथ कि मैं एक क्वेश्चन में स्टक हो गया था। तो मैंने सोचा कि अगर मैं कोई एग्ज़ाम आगे देता हूँ तो मुझे स्टक नहीं होना है, क्योंकि अगर मैं स्टक होता तो मैं सिमिलर प्रॉब्लम था उसको रिपीट कर रहा हूँ। तो आप कितना टाइम देते थे किसी भी एक क्वेश्चन को समझने में और फिर उसके बाद लेट गो करने में? मैम, उसको पढ़ के समझ में आ जाता था कि ये टॉपिक मुझे आएगा या फिर नहीं आएगा। मतलब अगर आप मिसलेनियस सॉल्व करते हैं तो एक कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि आप उसको अगर आपने देख लिया कि ब्लड रिलेशन का टॉपिक है या फिर ये कस्टमाइजेशन का टॉपिक है तो आप करेंगे ही, क्योंकि आपने उसे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। राइट, सो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आपको इसको करना ही है करके। बट कुछ टॉपिक्स ऐसे नहीं होते हैं तो आपको पढ़ के समझ में आ जाता है कि ये टॉपिक्स मुझे नहीं करना है करके। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई से समझ में आ जाएगी कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को मुझे करना है या फिर इस पर्टिकुलर टॉपिक को मुझे नहीं करना है। एंड ये डिसीजन बनाना एग्जाम बहुत पर्टिकुलरली मेंस एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स में आपको 100 में से 100 सॉल्व करना है, मतलब 100 में से 80-90 आपको सॉल्व करना है। बट मेंस में आपको 100 में से 10-20 भी आपका सॉल्व करते हैं बट आप सही करते हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेंस आपका क्लियर हो गया। नाउ कमिंग टू द इंटरव्यू पार्ट, आई फील बहुत सारे लोग थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं वंस देयर प्रीलिम्स एंड मेंस हैपन, क्योंकि उनको लगता है इंटरव्यू तय हो जाएगा। एंड बट आई थिंक इंटरव्यू इज़ ऑल्सो वन ऑफ द डिफ़िकल्ट एग्जाम, क्योंकि आपके यहाँ सामने पैनल बैठे होते हैं, कोई वन टू वन इंटरव्यू नहीं हो रहा है आपका। आपका एक्सपीरियंस था व्हेन यू वेंट टू द एसबीआई पीओ इंटरव्यू, आई वुड आस्क, क्योंकि उसमें आपके दो और सेक्शन थे, राइट? जी, ग्रुप डिस्कशन एंड ग्रुप एक्सरसाइज ऑल्सो। वट वॉज योर एक्सपीरियंस? मुझे याद है, मुझे मेन्स का रिजल्ट आया तो उसी दिन मुझे समझ में आ गया था कि बस अब लास्ट स्टेज बची है इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम की, वो तो किसी हालत में भी करना ही है। सो तब से मैंने मॉक इंटरव्यू देखना शुरू कर दिया था कि किस तरीके से मॉक इंटरव्यूज होते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो पिछले स्टूडेंट्स हैं उनका एक्सपीरियंस क्या है। तो उसी तरीके से मैंने अपनी प्रिपरेशन करना शुरू किया। आपका करंट अफेयर्स तो शुरू था पहले से, उसको आपको बस थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे से पढ़ना था, अंडरस्टैंडिंग वे से पढ़ना था। अगर आपको रेपो रेट के बारे में पूछा जाए, अगर आपको बैंक रेट के बारे में पूछा जाए या फिर क्रिप्टो करेंसी के बारे में पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। और एक मैंने एक साइड मतलब एक अलग व्यू पॉइंट बनाया था कि यूपीएससी की जो प्रिपरेशन थी मेरी तो उसमें कुछ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट थे, तो मैं चाहता था कि मेरा इंटरव्यू उसी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट के आसपास घूमे। सो मैंने ऐसे किया था कि एक आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू मुझे याद है, तो उस पर्टिकुलर इंटरव्यू में उन्होंने मुझे क्वेश्चंस पूछे और हॉबी पूछी थी। तो मैंने हॉबी में इंटरनेशनल रिलेशन बोला था कि मुझे इंटरनेशनल रिलेशन वगैरह पढ़ना अच्छा लगता है। सो सारे क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर इंटरव्यू में मेरे इंटरनेशनल रिलेशंस पे ही हुए। और उन्होंने काफ़ी डिफ़िकल्ट भी क्वेश्चन पूछे, मुझे क्वेश्चन याद है कि स्ट्रिंग ऑफ पल्स क्या होता है। अगर आप सच में इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हो तो आपको स्ट्रिंग ऑफ पल्स पता होना चाहिए, और उन्होंने एक्सपेक्टेशन थी कि पता होना चाहिए और मैंने बताया। तो अगर आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्ट्रांग हो तो आप वहाँ पर बता सकते हो। तो मुझे याद है कि पूरा इंटरव्यू मुझे इंटरनेशनल रिलेशन पे हुआ था और इकोनॉमी पे हार्डली एक या दो क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर हम एसबीआईपीओ की बात करें तो उसमें तीन सेक्शंस होते हैं, मतलब एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है एंड इंटरव्यू होता है। सो उसके पहले रिज़ल्ट आ चुका था मेरा आईबीपीएसपीओ का, और मुझे आईबीपीएसपीओ में 92 मार्क्स हैं, तो एक कॉन्फिडेंस था कि यार मुझे एसबीआईपीओ में भी मैं अच्छा कर सकता हूँ। सो एक आपकी इंग्लिश एक कम्युनिकेशन स्किल होती है या फिर एक बोलने का तरीका होता है, वो ग्रुप डिस्कशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरी एक चीज़ होती है आपका नॉलेज, आपने क्या पढ़ा है, नॉलेज प्लस कम्युनिकेशन स्किल ही आपको ग्रुप डिस्कशन और एसबीआईपीओ के इंटरव्यू में निकाल पाएंगे। और एक बैरियर होता है लैंग्वेज बैरियर का, सो आप आईबीपीएसपीओ के इंटरव्यू में आप इंग्लिश या हिंदी में दे सकते हो, एसबीआईपीओ का इंटरव्यू भी आप इंग्लिश या हिंदी में दे सकते हो, बट प्रेफर करते हैं जनरली दे एक्सपेक्ट एसबीआईपीओ पैनल मेंबर एक्सपेक्ट कि आप इंग्लिश में इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करेंगे। तो इसलिए मैं हमेशा एक बात करता हूँ एस्पिरेंट्स के लिए कि इंग्लिश को आप स्किप मत कीजिए,
इंग्लिश को आप थोड़ा थोड़ा करते रहिए तो एक आपको प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। सो रुपेश, इस बारी साइकोमेट्रिक और ग्रुप एक्सरसाइज जुड़ा है इन द इंटरव्यू पार्ट ऑफ इट, इंटरव्यू इज लाइक द लास्ट सेक्शन ऑफ इट, उसका आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? इवन ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू का तो आप बता ही रहे थे, आई वुड लाइक यू टू ऐड दीज टू ऑल्सो इन दैट। मैम, इस बार आपने बताया कि साइकोमेट्रिक टेस्ट ऐड ऑन हुआ है, तो साइकोमेट्रिक टेस्ट में ऐसा है कि आप जो पर्सनैलिटी आप हो उसी को रिफ्लेक्ट करो क्वेश्चंस के आंसर्स में, क्योंकि उसके पैरामीटर्स, उसके आंसर आपके इंडिविजुअलिटी के पास होते हैं। अगर आप यहाँ पे झूठ बोलते हैं तो उनको आपको पता चल जाता है, क्योंकि आपको मतलब वो स्टडी करने के लिए वहाँ पे बैठे हैं तो उनको पता कुछ चला जाता है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये रहेगा कि आप साइकोमेट्रिक टेस्ट जो पर्सनैलिटी आप हैं वही दीजिए। अगर ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप एक्सरसाइज में क्या होता है कि आप किस तरीके से ग्रुप में काम कर पाते हैं, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा था कि मैंने सोच के गया था घर से कि मुझे या फिर इनिशिएशन लेना है या फिर मुझे कंक्लूड करना है, राइट। तो मुझे याद है कि मैंने ग्रुप डिस्कशन में इनिशिएट किया था, टॉपिक को इनिशिएट किया था। सो अगर आप इनिशिएट करते हैं तो आपको उसको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं, एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। अगर आप इनिशिएट करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस भी आता है और आपके पास मतलब बोलने के लिए और टॉपिक्स सब्जेक्ट्स भी होते हैं। तो इनिशिएशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनिशिएट नहीं कर पाते हो तो उससे दूसरी बार बात कर सकते हो, तीसरी बार बात कर सकते हो, पर बात करना ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप एक्सरसाइज में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप एक्सरसाइज में आपका एक इंडिविजुअल टास्क होता है और एक ग्रुप टास्क होता है, राइट? यस मैम। तो आप मुझे बताइए, आई वुड लाइक टू आस्क यू इन टर्म्स ऑफ पैनिक एंड नर्वसनेस लेवल, क्योंकि एक इंडिविजुअली बात करना इज अ डिफरेंट थिंग, बट इन अ ग्रुप बात करना बहुत डिफिकल्ट और अलग लेवल ऑफ कम्युनिकेशन यू नीड, क्योंकि यू नो एवरीबडी विल नॉट एग्री विद यू, यू विल नॉट एग्री विद एवरीबडी। सो हाउ डिड यू डेल्ट विद इट? मैम, इसका एक बहुत सही आंसर ये होता है कि जो ग्रुप होता है आपका 10 या 12 लोगों का जो ग्रुप होता है उसको आप एक दो घंटे पहले से जानते हो, आप उसके साथ टाइम स्पेंड करते हो, क्योंकि आप जिस सिचुएशन में हो सेम सिचुएशन में अगला एस्पिरेंट होता है। सो वो भी आपसे बात करना चाहते हैं जैसे कि आप उनसे बात करना चाहते हो, तो एक कॉम्पैटिबिलिटी लेवल वहाँ पे बन जाता है। और दूसरा लेवल, सबसे पहला प्रेशर जो बनता है वो इनिशियल लेवल पे ही बनता है कि मुझे बस एक इनिशिएशन लेना है, मुझे अपनी बातें रखना है सबसे पहले। बस अगर आप वो प्रेशर पार कर लेते हो, जैसे मैंने बोला कि मैंने इनिशिएट कर लिया, तो एक फीलिंग आती है कि नहीं, मैंने मेरा काम कर लिया है, अगर आगे डिस्कस करते उसके बाद मेरा काम आएगा। सो अगर आप इनिशिएट कर लेते हो ना तो आपके पास ऑटोमेटिकली प्रेशर कम होता है। देन जिस समय बाकी के लोग सोच रहे हैं या फिर वो डिस्कस कर रहे हैं उस वक्त आप अलग पॉइंट सोच सकते हो, या फिर जो लोग बोल रहे हैं उसी को आप रिपीट कर सकते हो। जनरली लोग रिपीट करते हैं, बट आपने इनिशिएशन लिया है, इनविजिलेट को पता है कि आपने इनिशिएशन लिया है, तो आपको एड ऑन पॉइंट्स मिलते हैं। तो आपके पॉइंट्स जो काउंट होते हैं वो इसलिए होते हैं कि आप एक तो टीम वर्क कैसे करते हो, एंड सेकेंडली उस टीम वर्क में भी आप अपनी इंडिविजुअलिटी कितना रखते हो। डेफिनेटली आपके पॉइंट से, जैसे आपने बोला कि कुछ लोग एग्री करेंगे कुछ लोग डिसएग्री करेंगे, पर उनको भी पता है कि अगर वो ज़्यादा डिसएग्री करेंगे तो उनके भी निगेटिव मार्क्स होते हैं। तो आप सब लोग एक सेम लेवल पे होते हैं, सब लोग एग्री करना चाहते हैं डिसएग्री करना चाहते हैं, क्योंकि सब लोगों को मार्क्स लेने होते हैं। सो ऐसे मतलब वहाँ पे जाके डरने की कोई बात नहीं होती कि अगर कोई बंदा ज़्यादा बोलता है या फिर अगर कोई एस्पिरेंट ज़्यादा बोलता है या फिर कोई एस्पिरेंट कम बोलता है तो वो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये तो बात रही आपकी पूरी प्रिपरेशन एंड एवरीथिंग, आपका रिजल्ट भी आ गया, आपने टॉप भी कर लिया है। मैंने आपसे पूछ भी लिया है कि आप कैसा फील कर रहे थे, आपके घर वाले एंड एवरीबडी हाउ डिड दे फेल्ट अबाउट इट। थोड़ा सा आई वुड लाइक यू टू टेल अस अबाउट योर ट्रेनिंग सेशन एंड ऑल्सो सम ऑन जॉब एक्सपीरियंस ऑल्सो, सो इफ़ यू कुड जस्ट शेयर दैट। ट्रेनिंग का एक अलग लाइफ का एक अलग हिस्सा होता है, मतलब एस्पिरेंट में हमने काफ़ी, जब हम एस्पिरेंट लाइफ में थे हम काफ़ी पढ़ाई करते थे और यूट्यूब पे काफ़ी कंटेंट अवेलेबल है ट्रेनिंग का, तो एक मोटिवेशन की तरह काम करता है कि मुझे पर्टिकुलर इस ट्रेनिंग सेंटर में जाना है, मुझे इन लोगों के साथ ट्रेनिंग करना है। सो एक मोटिवेशन की तरह काम करता है, और एक्चुअल में हम उस लाइफ में आते हैं, एक्चुअली हम ट्रेनिंग सेंटर में आते हैं, एक अलग कॉन्फिडेंस आता है पढ़ाई करने के बाद सामने जाना, रिजल्ट आ चुका है, तो एक
एक अलग फीलिंग आती है कि मैं अभी ट्रेनिंग सेंटर में आ चुका हूँ और ट्रेनिंग सेंटर में आपको ऐसे दोस्त मिल जाते हैं जो आपको लाइफ टाइम तक आपके साथ रहते हैं। हमारे ट्रेनिंग सेंटर में एक हमारा ग्रुप था जो अभी तक साथ में है और मे बी आगे भी रहेंगे साथ में, तो इस तरीके से एक कॉम्पेटिबिलिटी बन जाती है ग्रुप में। और बिलीव मी, अगर आपके बैंकिंग सेक्टर में आगे करियर में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, छोटा सा प्रॉब्लम होता है, तब उनको पूछ सकते हो कि आपने ये कैसे सॉल्व किया और वो जवाब देते हैं। तो इस तरीके से आपका ये जो ग्रुप है वो आगे भी आपको काफ़ी मदद करता है, काफ़ी काम में आता है। एंड आपका ऑन जॉब एक्सपीरियंस कैसा है अभी तक का? मैम, मेरा ऑन जॉब एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। टू बी फैक्ट, आई एम सेटिस्फाइड विथ माई ऑन जॉब एक्सपीरियंस। जस्ट बिकॉज अगर आप देखते हैं या फिर आपको पता है कि पर्टिकुलरली बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी निगेटिविटी है कि बैंकिंग सेक्टर का जॉब काफ़ी मतलब ज़्यादा है, वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी कम है। दैट्स कम्प्लीटली ऑल राइट, दैट्स कम्प्लीटली ट्रू, क्योंकि मुझे भी याद है मैं अभी एक मंथ की सर्विसेज हुई है मेरी, एक मंथ की सर्विस हुई है, तो एक मंथ की सर्विस में मैं कभी 11 बजे भी घर आया हूँ, कभी 9 बजे भी घर आया हूँ, कभी 8 बजे भी घर आया हूँ। सो ये सब होता है, पर उसके साथ आपको वर्क लाइफ बैलेंस के साथ आपको बैंक या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको बहुत कुछ देती है, एक सोशल रिस्पेक्ट देती है, वो सारी चीज़ें आपको लाइफ में काफ़ी काम आता है। आपको एक फाइनेंशियल सपोर्ट करता है, आपको सोशल रिस्पेक्ट देती है, सो दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इन योर लाइफ। सो आई थिंक बैंकिंग सेक्टर की जॉब टीडियस है, बट एक करियर अपॉर्चुनिटी है और काफ़ी अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी है। अब बहुत सीरियस बात तो कर ली अब हमने, ठीक है, आपकी जॉब के बारे में पूछ लिया, आपके एग्जाम प्रिपरेशन, एग्जाम्स और इंटरव्यू सब चीज़ों के बारे में पूछ लिया। अब थोड़े और डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारे यहाँ पे होता है रैपिड फायर, ठीक है, CTWT रैपिड फायर होता है हमारे यहाँ पे। रेडी मैन, तो दीज आर गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, हो सकता है आपके जो बैंकिंग वाले क्वेश्चन उससे ज़्यादा डिफिकल्ट हो। आर यू रेडी फॉर इट? यस। मैं आपसे जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछूँगी, आपको जल्दी जल्दी आंसर करना पड़ेगा। ठीक है मैम। ठीक है, रेडी मैम। ठीक है, वॉट इज दैट यू वॉन्टेड टू ट्राई बट यू नेवर ट्राइड अभी तक, कुछ भी ऐसा? क्रिकेट। क्रिकेट, ओके, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट, सीरियसली डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अरे कोई बात नहीं, जो मन में आ रहा है, जो सबसे पहले आ रहा है, रैपिड फायर तो वह रैपिड फायर होता है। हाँ, तो भी मैं उस टाइम नहीं दे सकती सोचने का, ठीक है। टू द सेकंड क्वेश्चन, इफ यू कुड चेंज वन थिंग अबाउट योर वर्क प्लेस, व्हाट दैट वुड बी? वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क नाइस, ये आई थिंक हम सबको चाहिए। व्हाट जॉब वुड यू एब्सोल्युटली बी हॉरिबल एट? जॉब। जॉब, एनीथिंग, कोई भी काम जिसमें आप बिल्कुल हॉरिबल होंगे। लोगों को समझाना कि ये आपके लिए सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास जो आप ओन करते हो? माय फैमिली। ओके, एक सुपर पावर अगर आपको दी जाए तो वो क्या होगी और क्यों होगी? एक सुपर पावर, वेट, एक सुपर पावर अगर दी जाए तो एक मतलब जिस तरीके से मैं टॉपिक को समझता हूँ उसको और अच्छे से समझ पाऊँ और थोड़ा मतलब उस टॉपिक को समझ के सोसाइटी के लिए अच्छा सर्व कर पाऊँ। सो आप नेक्स्ट 10 ईयर्स में क्या लुक फॉरवर्ड करते हो? इन बैंकिंग सेक्टर डेफिनेटली मैं एक अच्छी जॉब, मतलब डेफिनेटली मैं एक ग्रोथ चाहूँगा। ठीक है, कोई एक लैंग्वेज जो आप लर्न करना चाहते हो? इंडिया में बहुत सी लैंग्वेज है, तो कोई भी एक मतलब आई गेस साउथ इंडियन लैंग्वेज में लर्न करना चाहता हूँ। ठीक है, एंड विद दिस आपका रैपिड फायर क्वेश्चनेयर सब खत्म होता है। था ना बहुत डिफिकल्ट? थैंक यू, बहुत मतलब सच में सोचने लायक था। सो वी हैव अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन फ्रॉम द टीम ऑफ अन अकेडमी फॉर यू रुपेश। थैंक यू, ले लीजिए। थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस on clearing SBIPO and IBPS PO. It means a lot too. Thank you. It means a lot for us also कि आप यहाँ आए, आपने अपनी जर्नी शेयर करी. But before ending this, I want you to give a message to the aspirants which will help them in their journey. क्योंकि आपके struggles और आपने जितना भी अपने failure देखने के बाद आपने आज जो success लिया, I want you to give a piece of advice to the aspirants
कि वो अपने जर्नी में क्या कर सकते हैं या फिर कैसे मोटिवेट रह सकते हैं? कि जो सबसे इम्पोर्टेंट जो कुछ चाहिए एस्पिरेंट के लिए एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए वो है एक कंसिस्टेंसी, पॉजिटिव माइंडसेट। अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं एग्जामिनेशन के दौरान, तो आप डेफिनेटली बैंकिंग के एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। और ऐसे भी एस्पिरेंट्स हैं जो 6-6 एग्ज़ाम क्रैक कर पाते हैं। एंड दूसरा पॉजिटिव अप्रोच, मुझे पता है कि किसी का फाइनेंशियल बैकग्राउंड कमज़ोर होता है या फिर लाइफ में कुछ अलग प्रॉब्लम्स होते हैं। सो बिलीव मी, मैंने ऐसे भी एक्सपीरियंस देखे जिनके पेरेंट्स नहीं है अभी, तो भी दे क्रैक वेरियस एग्जामिनेशन, SBI PO, IBPS PO के एग्जामिनेशन उन्होंने क्रैक किया। और ऐसे भी एक्सपीरियंस देखे जिनके पास सब कुछ है तो उन्होंने भी क्रैक किया है। सो इट डिपेंड्स कि आप किस तरीके से लेते आप अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को या फिर आप अपने सर्कमस्टांसेस को किस तरीके से लेते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। सो आप पॉजिटिव अप्रोच से देखिए हर एग्ज़ाम को, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्रैक दिस एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच रुपेश, एंड यू सेड द एब्सोल्यूट ट्रुथ कि पॉजिटिव अप्रोच रखना इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो रुपेश, वी हैव अ रिचुअल हियर वेयर वी टैग अ टॉपर, ठीक है? सो एनी ऑफ योर फ्रेंड हु हैज क्लियर्ड द एग्जाम एंड यू वांट देम टू कम हियर एज यू हैव शेयर्ड योर ओन जर्नी एंड यू वांट देम टू शेयर देयर जर्नी, तो प्लीज़ टैग देम। मैम, एक फ्रेंड है जिन्होंने IBPS PO और SBI PO एग्जाम्स निकाला है, सो शी माइट बी विलिंग टू कम हियर। हर नेम इज़ स्वप्निका मिश्रा। So Swapnika Mishra, somebody from our team will approach you. Please do come here, share your journey with us as Rupesh has done it for us. So we are awaiting you. So I hope आपको रुपेश की बातों से, उनकी preparation journey से बहुत ज़्यादा motivation मिली होगी। Please do like this episode. Also comment. Please congratulate him. And don't forget to subscribe to Chamomile Tea with Toppers. Let's crack it.